everyone in this video lecture of microprocessor 8086 i am going to write the program for subtraction of two 8 bit hexadecimal number for this i have taken some अजम्पन्स जैसे फर्स्ट नंबर इज़ स्टोर्ड एट ज़ीरो थ्री जीरो वन एच सेकेंड नंबर हमने स्टोर किया है ऐट जीरो थ्री ज़ीरो टू एच एंड जो आफ्टर सेप्ट्रैक्शन जो डिफ्रेंस आएगा उसे हमें सेव करना है ऐट ज़ीरो थ्री जीरो थ्री एच एंड अगर बोरो भी अगर होती है उस केस में हमारा जो बोरो आएगा उसको हम सेव करेंगे एट जीरो थ्री ज़ीरो फोर एच ठीक तो ये हमने चीजें अज्यूम कर ली ये या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको इसको कंसिडर करके चलना होगा ठीक तो फर्स्ट हम करते हैं मूव फर्स्ट नंबर को क्लियर तो हमने लिखा मूव हम एट बिट की बात कर रहे हैं मूव ए एल कॉमा जीरो थ्री जीरो वन एच ठीक तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो इस लोकेशन से कहा मूव करेगा इन ए एल देन मूव बी एल कॉमा जीरो थ्री जीरो टू एच मीन्स की सेकेंड नंबर विल मूव इन रजिस्टर बी एल नाउ अगर बोरो की बात की जा रही है तो हमें एक बोरो का रजिस्टर लेना होगा सी एल उसको हमें इनिशियलाइज करना होगा जीरो जीरो पर क्लियर मीन्स कि अगर हम कमेंट लिखें तो ज़ीरो थ्री ज़ीरो वन का जो भी कंटेंट होगा दैट विल बी मूव इन ए एल एंड ज़ीरो थ्री ज़ीरो टू का जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ मूव करेगा इन बी एल एंड सी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जीरो ठीक नाउ अब हमारे पास हमारे दोनों नंबर हैं तो अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ए एल कॉमा बी एल ये बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा ये दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ बी एल रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ ए एल और फ्रॉम द कंटेंट ऑफ ए एल एंड जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा एट ए एल क्लियर ये हो गया नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन हो सकता है कि हमारा एल का कंटेंट लेस हो इन कंपेरिजन टू बी तो हमें बोरो की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है तो हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे जे एन सी इफ सी एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि इफ बोरो इज नॉट रिक्वायर्ड देन हम सीधे डिफरेंस को सेव करेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे लूप वन लूप वन क्या होगा सेव द डिफरेंस तो हम सेव द डिफरेंस के लिए क्या करेंगे मूव लोकेशन क्या है डिफरेंस को सेव करने की जीरो थ्री जीरो थ्री एच डेस्टिनेशन हो गया डिफरेंस स्टोर कहाँ था एल पर ठीक बट इन केस अगर हमारी कैरी आ जाती है ठीक है इफ सी एफ होती है तो हम क्या करेंगे आई एन सी सी एल ठीक है मीन्स कि हम बोरो की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे नाउ सी एल की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी सी एल प्लस वन प्रीवियस वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट मीन्स कि जीरो जीरो प्लस जीरो वन दैट इज इक्वल टू जीरो वन नाव अगर हमारे बोरो आता है मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो विथ माइनस साइन होगा मीन्स कि वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा अब हमें उसका ओरिजिनल चाहिए तो हम क्या करेंगे नॉट सी एल ठीक है तो यहाँ हमें मिल जाएगा सॉरी नॉट सी एल नहीं नॉट ए एल ठीक है ये हमारा हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एल और डिफरेंस ठीक नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें हमारा डिफरेंस नॉ कॉम्प्लीमेंट होके कहा है? स्टोर होगा ए एल में ही तो हम लिखेंगे वन का इंक्रीमेंट करना होता है टू वंस कॉम्प्लीमेंट लिया देन उसमें प्लस वन ऐड किया तो हम लिखेंगे एड एल कॉमा जीरो वन ठीक मीन्स कि जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट था वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन हो गया तो हमें क्या मिल गया टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंस ठीक है और ये वैल्यू हमारी कहां स्टोर होगी एल में उसके बाद हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये तो हुआ हमारा सेव डिफरेंस नाउ अब हमें बोरो को भी सेव करना होगा तो हम क्या लिखेंगे मूव जीरो थ्री जीरो फोर बोरो सेव कहां था सी में ये हमारा आ गया नाव एच एल टी हॉल्ट डन प्रोग्राम इज़ डन नाउ अब हम कुछ वैल्यूज़ लेके कंसीडर कर लेते हैं सपोज कि ज़ीरो थ्री ज़ीरो वन एच पर हमारा फर्स्ट नंबर है ट्वेंटी फाइव एंड जीरो थ्री ज़ीरो टू पर एच पर हमारा सेकेंड नंबर है वन वन सिंपल ले लेते हैं सिंपल एग्जाम्पल वन वन नाव अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वन बाई वन अगर हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है तो व्हाट इज़ द वैल्यू इन ए एल ए एल की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी फाइव दिस वन ठीक अगर हमारी सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होती है बी एल की वैल्यू क्या होगी वन वन क्लियर सी एल की वैल्यू तो जीरो है आफ्टर दिस लाइन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एल सब्ट्रैक्ट करें फाइव से वन गया यहाँ फोर टू माइनस वन किया वन मीन्स की दिस लाइन ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा दिस सब्ट्रैक्शन और ए एल की वैल्यू क्या होगी वन फोर क्लियर वन फोर हो गया दिस नंबर ट्वेंटी फाइव वॉज ग्रेटर देन वन वन तो ऑब्वियस है हमारी कैरी जनरेट नहीं होगी मीन्स की बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तो दिस लाइन विज ये लाइन हमारी स्किप होगी ये लाइन भी स्किप होगी और ये लाइन भी स्किप होगी फॉर दिस केस ठीक नाउ इस केस में क्या होगा जो ए एल के वैल्यू है फोर्टीन वो कहाँ हमारी मूव कर जाएगी फोर्टीन विल स्टोर्ड एट जीरो थ्री जीरो थ्री एच ठीक और बोरो हमारी अकर नहीं हुई थी तो सी एल में क्या था जीरो जीरो तो जीरो जीरो विल बी सेव एट जीरो थ्री जीरो फोर एच क्लियर तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर सब्ट्रैक्शन इफ और मन मोर एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम और बताती हूँ ये तो उस केस में हुआ जब हमारे पास लोकेशन गिवन हो डेटा ना हो मोर सिंपल प्रोग्राम वेन यू नो अबाउट द डेटा कि आपके पास डेटा क्या है जैसे हमें यहाँ पता है कि फर्स्ट डेटा ट्वेंटी फाइव है सेकेंड डेटा इलेवन है तो हमें यह भी पता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज ग्रेटर देन दिस मीन्स कि बोरो तो अक्कर नहीं होगी तो हम सिंपल लिख सकते हैं मूव ए एल कॉमा ट्वेंटी फाइव मूव बी एल कौमा वन वन देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करें सब्ट्रैक्ट ए एल कौमा बी एल जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा ए al एल में ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था देन अगर हमें उसे किसी लोकेशन पे स्टोर करना है तो हम उस डेस्टिनेशन का एड्रेस दे देंगे अज़ूम कि मैंने ये एड्रेस डेस्टिनेशन का लिया ए एल एंड हॉल्ट डन दिस इज ऑल्सो फॉर सब्ट्रैक्शन बट इन दिस केस हमें डेटा की वैल्यू पता होनी चाहिए क्लियर और दिस इज द कॉमन प्रोग्राम कि कोई भी डेटा आप फीड करो ये प्रोग्राम उसके लिए रन करेगा इन दिस केस फॉर एवरी डेटा आपको प्रोग्राम री राइट करना होगा बिकॉज वैल्यूज़ हमेशा चेंज हो जाएंगी थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू